अब तक जितने हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करे उस पे बेस पे हम कुछ इनसाइड बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे यहाँ पे. उसी का यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई, कि पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई से हमें क्या समझ आता है. इसको आंसर करते हैं. The ciliary muscles get relaxed and eye lens become thin and focal length increases when we are trying to view any distant object. Whereas the ciliary muscle muscles get contract eye lines become thicker and the focal length become thin, or you can say the, and the focal length get decreases. When we are viewing, when we are trying to view any nearby object. This contraction and relaxation of ciliary muscle in order to view nearer and distinct object take place due to power of accommodation. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन. जो सिलरी मसल्स होती है हमारी आईज में, दैट बेसिकली रिलैक्स्ड, वो रिलैक्स होती है
और आई लेंस हमारा थिन होता है जब उसके साथ जब फोकल लेंथ हमारी बढ़ जाती है। ये सब कब होता है? ये सब तब होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट व्यू करने की कोशिश करते हैं जो थोड़े डिस्टेंस पे रखा हो हमारे से। उसके उल्टा केस में जब सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तब हमारा आई लेंस थिकर हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। ऐसा तब होता है जब हम कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश करते हैं। सो ये जो सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं जब भी हम कोई फार और नियर बाय ऑब्जेक्ट देखते हैं, दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पावर को ही हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आर आई। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमारे पास यहां पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है अ पर्सन विद मायोपिया आई cannot see the object beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore the proper vision? एक person है जो कि myopic eye defect से affected है। वो 1.2 meter के beyond जो objects रखे होते हैं उनको properly देख नहीं पाता properly। So, इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा करेक्टिव लेंस यूज करें ताकि ये जो आई डिफेक्ट है वो करेक्ट हो जाए। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज अ सिंपल वन। द पर्सन इज एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली but not able to see the objects kept beyond 1.2 meter. In order to correct this eye defect, he or she should use concave lens. Concave lens क्यों use करेंगे? Because concave lens is diverging in nature. और इस केस में क्या हो रहा है? As the person is affected by myopia, so जो इमेज है ऑब्जेक्ट की वो बिफोर द रेटिना फॉर्म हो रही है। सो इन ऑर्डर टू फॉर्म द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट रेटिना वी शुड यूज अ कॉनकेव लेंस। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो हमारे पास यहां पे एक और क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो अ सिंपल वन, जो कहता है वॉट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। कि ऐसा कौन सा पॉइंट है दूर तक जहां तक एक ही नॉर्मल ह्यूमन आई क्लियरली देख सकती है, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि नियर बाय हो हमारे ह्यूमन आई के जिसको हम क्लियरली देख सकें। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। द मिनिमम डिस्टेंस of the object of the object
फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट विच ही और शी कैन सी द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन is 25 centimeter. The distance, the maximum distance from the observer till which he or she can see the object clearly is infinity. सो मिनिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक ऑब्जर्वर किसी नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके, दैट इज 25 सेंटीमीटर. और द मैक्सिमम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस तक कोई भी ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सके, दैट इज इंफिनिटी. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहां पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कहता है A student has difficulty reading the board while sitting in the last row. What could be the defect the child is suffering from and how can it be corrected? एक बच्चा है जो कि ब्लैकबोर्ड सही से नहीं देख पाता क्योंकि वो लास्ट रो में बैठता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि वॉट इज द डिफेक्ट, वो कौन से डिफेक्ट से सफर कर रहा है. और इसी का सेकेंड पार्ट है हाउ कैन इट बी करेक्टेड, वो डिफेक्ट हम कैसे सही कर सकते हैं. सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग the board while sitting in the last row. It means that the student can't see the distant object objects clearly. Thus, the student is suffering from
फ्रॉम मायोपिया एंड इट कैन बी करेक्टेड बाय कॉनकेव लेंस. सो जो बच्चा है वो लास्ट रो से बोर्ड को क्लियरली रीड नहीं कर पाता है, डेट मीन्स वो बच्चा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पा रहा है, जिससे हम कह सकते हैं द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया. और मायोपिया को कैसे करेक्ट करते हैं, बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.